कि किस प्रकार के हालात देश के बन गए ने। केवल कुर्सी के वास्ते बीजेपी की सरकार है, मणिपुर के कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया गया। सानू सारी दुनिया नू, सारे देश नू अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए है, बेशक असी किसी धर्म के होइए। फ्लाइंग किस केवल कोई किसी आपके चहेते नू नहीं करता, आपके देश नू भी फ्लाइंग किस करता है। जिदा जेड़ा यह पीस मार्च यानी कि कैंडल मार्च रखा गया, बाड़ा साहब ने सानू सारे लोगों नू सुनेहा लाया सी कि असी रल मिल के सारे अन्याय के खिलाफ जिस प्रकार के देश के हालात बन गए ने। मैनू लगता है कि जो देश आज़ाद नहीं होया सी उस तो पहला भी इस तरह के कदे हालात नहीं सन। जो मणिपुर के हिंसा हुई, बेशक वो क्रिश्चन भरावां दे नाल हुई, लेकिन असी समझते कि साडा फर्ज बनता वो उन्हां दीआं मावां भैणां नहीं सन, वो साडीआं मावां भैणां सन। सानू हमेशा साडे गुरुआं ने यही सिखाया कि जिथे भी किसी नाल अन्याय हुंदा है उत्थे असीं अगे हो के अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़नी है। और अज का एक कैंडल मार्च असी बीजेपी वालों नूं ये कहना चाहते हैं, खास करके देश के प्रधानमंत्री जी नूं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी नूं, कि किस प्रकार के हालात देश के बन गए ने। केवल कुर्सी के वास्ते तुसी मेरे देश नूं किस तरह तोड़ मरोड़ दिता, की बन गया मेरे देश का। और जो देश की मैं समझदा कि पार्लीमेंट चल रही सी और वार वार ओपोजिशन ने कहा कि देश के प्रधानमंत्री मणिपुर से टिप्पा टिप्पणी करन ते दसन कि ये हिंसावां क्यों हुई हैं। हालांकि अहिंसा हुई नूं कई महीने हो गए सन, कई दिन हो गए, लेकिन किसी प्रकार का कोई सरकार वालों उत्थे बीजेपी की सरकार है मणिपुर के कोई कॉग्निजेंस नहीं लिया गया। और मानयोग सुप्रीम कोर्ट की जो उन्होंने इंटरवीन किया तो तद FIR दरिंदियां ते दर्ज हुई। मैनू लगता है कि इस तरह के हालात इस देश के कदे भी नहीं सन। सो अज का एक कैंडल मार्च उन्हां मेरियां मावां भैणां दे नाम है जो उस दरिंदियां दी बली चढ़ गईआं। और आने वाले समय च सानू सारी दुनिया नू, सारे देश नू अन्याय के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए है, बेशक असी किसी धर्म के होइए, बेशक किसी जात के होइए। सो अज ये समर्पित है उन्हां मेरियां मावां भैणां नू और मणिपुर की घटना नू कि इस तरह दीआं अहिंसावां देश के अंदर नहीं होनिया चाहिए। और निंदा करते हैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी की सरकार। राहुल गांधी जी ने आवाज उठाई थी, लेकिन स्मृति ईरानी ने कहा था कि मैंने गलत टिप्पणी की गई है। देखो, राहुल गांधी जी नूं तुसी देखा होना है, वैसे तो इस तरह की कोई वीडियो तो आई नहीं, जाहिर नहीं हुई, क्योंकि अमित शाह जी ने तो यह भी कह दिया कि कलावती जी जिसके घर में राहुल जी रुके थे उसके घर को छत हमने दी, उसको सेहत हमने दी, उसको राशन हमने दिया, उसको शौचालय हमने दी। अगले दिन ही कलावती जी का बयान आ गया सी कि मैनू सब कुछ राहुल गांधी जी ने दिता है। स्मृति ईरानी जी पता नहीं क्यों फ्लाइंग किस केवल कोई किसी आपके चहेते नहीं करता, आपके देश में भी फ्लाइंग किस करता है, आपके प्यार करने वाले बुजुर्ग नूं भी फ्लाइंग किस करता है, आपके माँ प्यो नूं भी व्यक्ति फ्लाइंग किस करता है, आपकी भैन नूं भी, आपके पुत धी नूं भी फ्लाइंग किस करता है। सो मैनू लगता कि इस तरह की टिप्पा टिप्पणी जो स्मृति ईरानी जी ने की है इहदे तो थोड़ी सोच दर्शाती है कि किस प्रकार की गंदी सोच थोड़े लोगों की है। फ्लाइंग किस तो मतलब यह नहीं है कि किसी नूं फ्लाइंग किस, हालांकि मैं वो फ्लाइंग किस करदिया देखा नहीं राहुल गांधी जी, लगता नहीं मुद्दे तो भटकाउण दे वास्ते एजेंडा खड़ा 100% होर कोई गल ही नहीं है। अज मणिपुर का मुद्दा है, अज देश का मुद्दा है, देश के और चर्चा होनी चाहिए है। देश के लोग सोच रहे हैं कि देश का प्रधानमंत्री अजे तक मणिपुर विजिट नहीं गए करके आए, देश के प्रधानमंत्री को टाइम है इधर उधर मन की बात करने का, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी को मणिपुर जाने का अजे तक टाइम नहीं मिले। पंजाब सरकार की गल की जाए तो एक जलंधर के फ्रेंडली वूमन ठेका खोल दिया गया, किस तरह देखते हो? मैं समझता कि बहुत मदभागी घटना, कल मैं इतने चर्चा की अज अज साडा धरना सी उत्थे भी चर्चा कीती सी कि जे पंजाब दे विच गल नहीं एक शर्म की गल हुंदी है। सो मैनू लगता कि जिस प्रकार इस तरह ओपन तुसी औरतां असे उह ठेका खोला गया, हालांकि औरतां नूं साडियां मावां भैणां नूं बराबर दे अधिकार ने, लेकिन पंजाब ने हमेशा एक दूजे की शर्म रखी है, वह अख की शर्म, धियां भैणां साडी इज्जत की शर्म। सो बहुत मदभागी घटना है, मैनू यह उम्मीद नहीं सी पंजाब सरकार तो जो उन्होंने किया, मैं करड़े शब्दों निंदा करना है।
और पंजाब के मुख्यमंत्री नूं बेनती करांगा कि कृपा करके भाई इहो जिहे काम ना होण दिओ, ठेका इहो जिहियां चीज़ां बंद कराइयां जाण।